हम बात करेंगे पावर पिवट टेबल या पिवट टेबल में रिलेशनशिप के बारे में। तो आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ कि मेरे पास एक डेटा है। इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कई सारे शीट्स हैं। तो पहले बताता हूँ कि हमें ज़रूरत क्या है। तो हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, डेजिग्नेशन कोड है, कंट्री कोड है, स्टेट कोड है, मंथ कोड है, नेट वैल्यू है जो सेल्स की हुई है हमारी। और दूसरा अगर हम बात करें सैलरी मास्टर में जाए तो सैलरी मास्टर में भी सेम हमारा आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद हम इसमें अगर हम बात करें हमारा एम्प्लॉय मास्टर, तो एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉय के नेम है आपके सामने। मतलब कि यहाँ जो आपकी स्टार्टिंग में जो नेट सेल में आप जो कोड देख रहे हैं, इन इन सब कोड के लिए अलग अलग सीट दिया गया है। तो यहाँ वन बाय वन आपके साथ हम करते हैं। जैसे मुझे जो पिवट निकालनी है उसमें हमें मान लीजिए यहाँ पे नेम के हिसाब से निकालना है, या फिर मान लीजिए मुझे इसमें स्टेट के हिसाब से निकालना है कि किस स्टेट में कितना सेल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो स्टेट है यहाँ कोड दिया हुआ है, हम स्टेट का नेम चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टेट मास्टर नाम का सीट है, उसमें स्टेट के कोड और स्टेट के नेम आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मल पिवट इस्तेमाल करूँ तो पिवट से पहले मुझे यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना होगा, और वी लुकअप में मैं अपने स्टेट कोड को लूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने स्टेट मास्टर में और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा और कॉमा 2,0 करके और फिर नीचे तक ड्रैग करूंगा। तो इस स्टेट का स्टेट कोड आ देखिए यहाँ पे आ गया। बट मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि डेटा डेली बेसिस पे कॉपी पेस्ट होता है, और कॉपी पेस्ट होने के कारण हर बार मुझे फॉर्मूले को रिमूव करना पड़ेगा या फिर फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा पिवट के अंदर ही ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ हम पिवट टेबल लगाते हैं। तो जो नॉर्मल पिवट टेबल आप लगाते हैं वही लगाएंगे, लेकिन पिवट टेबल पे ओके करने से पहले ध्यान रखिएगा ऐड डेटा दिस डेटा मॉडल। जी हाँ, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक करना ना भूलें। इस पे क्लिक करके फिर ओके करेंगे तो एक नई शीट में आपकी पिवट आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, थोड़ा सा हैंग होगा, क्योंकि जब डेटा मॉडल में आप ऐड करते हैं तो ये हैंग होता ही है। तो थोड़ा बहुत इसमें हैंग होगा, सो इसके लिए रेडी रहिएगा। काफी ज्यादा हैंग हो गया। आ गया। अब यहां देखिए, यहां पे पहले रिलेशनशिप एक्टिवेट नहीं था बट अब एक्टिवेट हो गया। पर रिलेशनशिप लगाने के लिए दो टेबल चाहिए, हमने तो अभी एक ही टेबल यूज किया है। तो आपको यहां स्टेट मास्टर में आना होगा और इस डेटा को, स्टेट वाले डेटा को सिलेक्ट करके और आपको ले जाना है कहां पे, फॉर्म, यहां पे इंसर्ट पिवट टेबल और फिर सेम ऐड डेटा टू डेटा मॉडल एंड ओके कर दीजिए। नई सीट में ये आ जाएगा और इस बार जल्दी आएगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है ये आपका एक्सेल को पता नहीं है, तो इस दोनों के बीच में आपको कॉमन है वो बताना देना। मतलब कि 200 सीट है आपकी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो आपको समझाना है। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप पे जाएंगे। ये पहले से बहुत सारे रिलेशनशिप बने हुए हैं तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, बहुत सारे रिलेशनशिप बने हैं। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से करता हूँ अलग किसी चीज पे। इसमें बहुत रिलेशनशिप पहले से बने हुए हैं तो मैं एक नई शीट लेता हूँ उस पर करता हूँ, ठीक रहेगा। फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो
इसको हम पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मेट। ये आपका हमारा ए जो है हमारा से आ गया सेल्स का डेटा। और फिर हमारे पास अगला जो आ रहा है वो है स्टेट मास्टर। यहाँ पे हम एस टी मास्टर करते, ये लाइव डेटा है किसी का, मैंने कल इस पर काम किया है तो इसलिए इसमें बहुत सारे शीट्स हैं और बहुत सारे डेटा रिलेशनशिप पहले से बनी हुई है। अब मैंने स्टेट मास्टर को कॉपी किया और इस पर पेस्ट वैल्यू एंड पेस्ट आल्सो फॉर्मेट। अब जो है मैं इसको यहाँ पे पिवट ले रहा हूँ। पिवट लेते समय हम इंसर्ट में गए पिवट टेबल, और जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे ऐड डेटा टू डेटा लेबल करेंगे, और फर्स्ट टाइम टाइम लेगा तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। वापस हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में भी, यहाँ भी इंसर्ट ऑप्शन है, और इंसर्ट में आप देखिए यहाँ पिवट टेबल है और यहाँ पे ऐड डेटा टू डेटा मोड। उसके बाद आप रिलेशनशिप पे जाना है ताकि बताना है कि जो दोनों टेबल के बीच में कॉमन फील्ड क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और यहाँ डिरेंज, और हमने बोला कि इसका स्टेट कोड और रेंज 10 का स्टेट कोड दोनों बराबर है, एंड इसको क्लोज कर दीजिए। और आपके सामने दोनों शीट आ गए, तो मुझे नेम बाई चाहिए ना, तो मैं रेंज 10 मतलब कि रेंज 0 होता है, इसमें स्टेट नेम लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसकी नेट सेल वैल्यू को डाल देता हूँ। तो स्टेट बाई टोटल में दो शीट से मिलके मेरा पिवट टेबल यहाँ तैयार हो गया। बट प्रॉब्लम अभी भी है कि मेरे पास अगर 3-4 शीट्स हुए तो क्या होगा, क्योंकि हर बार इस तरह का पिवट बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 शीट करता हूँ, इसमें आपका सामने एक और शीट है हमारे पास, इसमें सैलरी, तो सैलरी का डेटा भी हम यहाँ पर रख देते हैं। अब सैलरी डेटा हो चाहे स्टेट मास्टर हो, सब में कॉमन क्या है हमारा, कॉमन है हमारा एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे सैलरी। अब मुझे यहाँ पे रिपोर्ट ऐसे निकालनी है कि किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया और कितनी सैलरी ली। हम यहाँ कंपेयर करना चाहते हैं कि उसकी सेल्स और उसकी सैलरी के बीच में क्या कंपेयरिंग है, सो कंपेयर करना चाहते हैं। पर तीनों अलग डेटाबेस में है, तो अब सबसे पहले आप हर बार पिवट लगाना जरूरी नहीं है, आपको पावर पिवट वाले फील्ड में जाना होगा। बट पावर पिवट बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है। अगर आपके पास 2013, 16 और 19 है तो पावर पिवट का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइल में जाएं, ऑप्शन पे आएं और यहां एड इंस आपको दिख रहा होगा, इस एड इंस पे जाएं। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। उसके बाद यहां एक्सेल एडिंस की जगह पे मैं कॉम एडिंस लेता हूं एंड गो पे जाता हूं। यहां से माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट को टिक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ऐसा करते ही आपको यहां देखिए पावर पिवट का फील्ड आएगा। अब इसके जो है मैनेज पे क्लिक करेंगे तो पावर पिवट का बैकएंड में जो डेटा होता है, पिवट टेबल का जो बैकएंड में डेटा होता है, वो डेटा शीट खुल के आएगा। वो भी एक्सेल की तरह ही होता है, तो एक्सेल की तरह ही खुल के आपके सामने आएगा। और इसमें पहले से हमारा स्टेट कोड एडेड है, क्योंकि मैंने इसे पहले पिवट में ऐड किया था ना, इसलिए तो मैं यहाँ पे
एसटी मास्टर कर दूंगा। अब मैं यहां अपने एक्सेल वाले शीट पे आता हूं, एक्सेल शीट वाले पे आता हूं और एसटी मास्टर तो है हमारे पास। उसके बाद वापस आता हूँ यहाँ पे सेल्स में और सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ हम ऐड डेटा टू डेटा मॉडल बिना पिवट टेबल लगाए भी कर सकते हैं, बट यहाँ देख लीजिए माय डेटा एज ए हीडर पे क्लिक होना चाहिए। अब यहाँ हम सैलरी वाले पे आते हैं। और फिर सैलरी के डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और वापस जाता हूँ यहाँ और ये ऐड टू डेटा मॉडल। अब तीन टेबल आप देखिए यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब नाम अलग अलग आ रहे हैं तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकता हूँ। और टेबल फोर को डबल क्लिक किया, इसका नाम दे दिया मैंने सेल्स। टेबल थ्री को सिलेक्ट किया, और इसको हम नाम दे देते हैं सैलरी। अब तीनों में कॉमन क्या है ये मुझे बताना होगा। इसको बताने के लिए हमें जाना होगा यहां डायग्राम व्यू में। डायग्राम व्यू में आते हैं, और डायग्राम व्यू में हम क्या करते हैं कि तीन होते हैं, मेन सेल हमारा क्या है सैलरी का है, नहीं सेल्स का, माफ कीजिएगा सेल्स का। तो यहां हम एम्प्लॉई कोड को उठाते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप जी दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप कर रहे हैं उनमें किसी एक में यूनिक होना चाहिए। तो एम्प्लॉई कोड इसमें भी डुप्लीकेट है और इसमें भी डुप्लीकेट है, बट यहाँ देखिए स्टेट कोड जो है आसानी से यहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे हैं। हो गया। तो अब मुझे अपने डेटा में जाना होगा और सैलरी में डुप्लीकेट क्यों है, ओके मंथ के वजह से। ओके ये हाँ ये डुप्लीकेट है। अब एक बार इसको होम में रिफ्रेश करते हैं।
थोड़ा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों वो लग रहा है। 2-3 दिन से मेरा एक्सेल रीस्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने ये कंप्यूटर इस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना हैंग नहीं होता है, पता नहीं क्यों आज इतना हैंग हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ डायग्राम व्यू में आते हैं। अब यहाँ एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय कोड लग जाएगा और ये स्टेट कोड से यहाँ स्टेट कोड में लगा दे सकते हैं। अब वापस आते हैं हम डेटा व्यू में। अब मुझे यहाँ पे अपनी जो है सेल्स में सैलरी शो करना, तो सैलरी वगैरह भी शो कर सकते हैं, कैलकुलेशन वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम वापस हम जाते हैं इसमें हम पिवट टेबल पे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि किस एम्प्लॉय के कितना सेल किया है और कितनी सैलरी है, बस ये चाहिए। तो हमने यहाँ से यहाँ पे सेल्स में आए और हमने यहाँ पे सेल्स में नहीं, हम यहाँ पे सेल्स में हम आते हैं, एम्प्लॉय को डालते हैं और यहाँ से सेल से जो है हम नेट सेल वैल्यू यहाँ से सेल्स इसको रखते हैं टोटल में और सैलरी से हम इसकी सैलरी रखते हैं बगल में। तो इस पर्सन का सैलरी और यहाँ पे टोटल सेल्स दोनों यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है। बट प्रॉब्लम है कि मुझे भी यहाँ एम्प्लॉय कोड वाइज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेम के हिसाब से। सर मेरे डेटा में नेम तो है नहीं, तो हमारे पास एक और सीट है जिसमें हमारा ये है एम्प्लॉय मास्टर है। तो यहाँ पे EMP मास्टर, मेरा है ना एम्प्लॉय मास्टर। और एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें डुप्लीकेट तो ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट होगा तो लिंक ही नहीं होगा। और इसको हम चले गए और इसमें पिवट टेबल पे ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, और यहाँ डेटा मॉडल में हमारा ऐड हो गया। टेबल 8 के नाम से इसको इसका हम दे देते हैं EMP। इसका नाम ही एम्प्लॉय दिया। अब रिलेशनशिप करना है तो हम जाएंगे यहां डायग्राम व्यू में। और डायग्राम व्यू में हम यहां से
एमपी कोड को इसके एमपी कोड से लिंक कर देते हैं, यहां भी है तो इसके एमपी कोड से इसको भी लिंक कर देते हैं। वापस डेटा व्यू में आ जाइए, वापस आप पिवट टेबल पे आइए। तो यहाँ पिवट टेबल पे आप जो है यहाँ डायरेक्ट जो है रिफ्रेश भी कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश की, क्योंकि नया पिवट टेबल तो बनाना नहीं है। अगर पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो नया पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। रिफ्रेश करने से क्या हुआ कि वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, और फिर मैं एम्प्लॉई कोड हटाऊंगा और ईएमपी में से एम्प्लॉई नेम यहाँ रखा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मैनेज रिलेशनशिप, अब दो रिलेशनशिप इनएक्टिव है, सैलरी और स्टेट को मास्टर, सैलरी एंड इसकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि ये डायरेक्ट डेटा सैलरी का डेटा रीड नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, डेटा व्यू में यहाँ सेल्स में यहाँ एक सैलरी का कॉलम लेकर आ जाता हूँ। मैं ऐड कॉलम में इसको डिलीट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सैलरी। और जैसे वी लुकअप हम लोग नॉर्मल डेटा में लगाते हैं, ऐसी पावर पिवट में रिलेटेड होता है, जो आप किसी अनदर शीट के डेटा को लुकअप करके ला सकते हैं। तो यहाँ हम देते हैं रिलेटेड, और रिलेटेड में हमने दे दिया सैलरी का सपोर्ट टीम सैलरी। अब यहां पे लुकअप होके आ जाए। अब इसको आसानी से पिवट में हम यूज कर सकते, या कैलकुलेशन दिखा रहा, फिनिशिंग हो रहा आ गया। अब इसको आसानी से आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कीजिए, मैं सम ऑफ सट ऑफ सपोर्ट टीम हटा देता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि रिलेशनशिप यहाँ पे एक्टिवेट हो। फ्रेश हो गया, अब मुझे यहाँ पे हमें सैलरी से नहीं उठाना है, हमें सेल्स से उठाना है। सेल्स में यहाँ सैलरी का कॉलम है, और हमने देखा कि हमें यहाँ पे कि एम्प्लॉई के नेम, उनके टोटल सेल्स और उनकी सैलरी यहाँ पे पता चल गई। तो हमने चार अलग अलग टेबल को कनेक्ट करके एक पिवट टेबल जनरेट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अगली क्लास में हम आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे।